11 जून उसकी उसकी डेथ हुई सुबह 6:30 बजे। इससे पहले रात को 8 बजे 8 तारीख को 8 जून को इनके हस्बैंड की मेरे पास कॉल आई। मेरे वालदैन नहीं थे यहाँ कराची में, इनके हस्बैंड की मेरे पास कॉल आई और इनके हस्बैंड ने मुझसे कहा कि हिरा आप आ जाओ, हिना की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने बोला कि मैं समझी, दिमाग नहीं जाता कभी भी अपने बहन भाइयों के लिए कि कोई इतना वर्स चीज़ हो सकती है उसके साथ। मैं भागती हुई अपनी बेटी को लेके घर गई। अब तक मेरे जहन में सिर्फ ये चल रहा था कि शायद कोई मजाक हो रहा है मेरे साथ। मैं उनके घर गई, घर जाके देखा तो वो बेड पे सीधी लेटी हुई थी। मैंने उससे पूछा, बेटे क्या हो गया है ना, तो जिस तरीके से उस मुझे जवाब दिया, उसका फेस यहाँ से उसका जो लोअर लिप है वो टेढ़ा हो गया था। तो मैंने जब उसका उसकी उसका फेस देखा तो मैंने दानियल को बोला हॉस्पिटल चलो। अब वो मुझे इशारे से बता रही है यूँ हाथ उठा के कि ये काम नहीं कर रहा। मैंने कहा दानियल पैरालाइज हो रही है, इसको लेके चलो। हमने उसी वक्त इनके हस्बैंड ने और मैंने, हम दोनों ने उठाया, हम दोनों उसको लियाकत नेशनल लेके गए। लियाकत नेशनल में आप यकीन करें टाइम हो रहा था उस वक्त 5:30 बजे, इनके हस्बैंड की मुझे कॉल आई है 6:15 6:30 बजे लियाकत नेशनल में हम मौजूद थे। हम इमरजेंसी में लेके गए, उन्होंने ER में जो ट्रीटमेंट होता है पहले तो ड्रिप लगा दी उन्होंने, एक बॉटल में जो मेडिसिन ये लोग ER में देते हैं वो इन्होंने दी। उसके बाद इनके डॉक्टर्स आना शुरू हो गए, उसकी उसको पूछने लगे इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको सब चेक करने लगे। लास्टली उनको पता चला कि न्यूरो का केस है। न्यूरो आई वहाँ, उन्होंने हिना को चेक किया, चेक करके उन्होंने बोला कि इनका आप CT करा लें फौरन। हमने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, CT कराया। CT कराया, वो अलग बात है कि लियाकत का अपना प्रोसीजर इतना लेंदी है कि हमें एक CT की बिलिंग करने के लिए भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप CT में पेशेंट को लेके जा रहे हैं। हम उनके हस्बैंड से कहें आप बिल पे करा के वहाँ ले आएँ। जब तक वो लाइन में हम लगे रहे, जब तक वो CT का बिल पे नहीं हुआ, 20 मिनट में हिना रूम के अंदर नहीं गई। उसके बाद इनके हस्बैंड आए, हमने उसका CT स्कैन कराया, कंट्रास्ट CT स्कैन लिख के दिया। मैं उसके साथ मौजूद थी CT स्कैन रूम में, हुआ उनका सारी चीज़ें हुई, तकरीबन आधा घंटा लगा उनको वहाँ। बाहर निकले, उनकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे उनके हस्बैंड को सेपरेट रूम में बुलाया, पेशेंट हमारा बाहर था, सेपरेट रूम में बुला के बोला कि वहाँ जो रेडियोलॉजी रूम में थी वो उनकी जो हाउस वर्कर्स होती हैं वो मौजूद थी, कोई सीनियर डॉक्टर कोई सर्जन मौजूद नहीं था। जब वो हमें रूम में लेके गई हैं तो वो कंसल्ट कर रही थी, मतलब जो CT स्कैन थ्रू व्हाट्सएप वो अपने सर्जन को दिखा रही थी कि सर देखें मुझे ऐसा लग रहा है, सर मुझे ये लग रहा है, तो सर भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है, वो अपनी मेडिकल टर्म में बात कर रही थी। उन्होंने हमें ये बताया इनके ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है और उसको एक स्टिंग थ्रू हमें रिमूव करना होगा, 30-40% चांस है कि ये रिमूव हो जाए। मैंने बोला, मैंने कहा 30-40% क्यों? कहने लगे वो इसलिए कि देखें हम स्टिंग को पहले डालेंगे, हमें पता चले कि एग्जैक्टली क्लॉटिंग किस जगह है, उसके लिए भी हमारे सीनियर डॉक्टर पहले पैनल बैठेंगे चेक करेंगे। मैंने कहा ठीक है, और देखें स्टिंग हम जब एंटर करेंगे उससे इसकी मजीद वेन्स भी डैमेज हो सकती हैं। मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या नुकसान है, इसको इसकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, उन्होंने ये जवाब दिया मुझे। मैंने कहा ठीक है, तो आपके सीनियर डॉक्टर सर्जन जिनसे मैं बात कर सकूं? उन्होंने कहा अभी तो कोई मौजूद नहीं है, आप अगर काउंटर में 11 लाख रुपए जमा करा देंगी तो अभी आ जाएंगे सर्जन हमारे। इमरजेंसी में आप ये देखें, हम CT स्कैन करा रहे हैं, 50,000 रुपीज़ का हम एक चीज़ करा रहे हैं, लेकिन वो उसको जब उसका रिजल्ट आता है तो व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप पे सेकंड्स की डॉक्टर को व्हाट्सएप पे वीडियो चलिए देख के बताएं मुझे, मे भी मुझे लग रहा है इसमें क्लॉट है, मे भी मुझे लग रहा है क्लॉट, आप चेक कर लो। मतलब एक इमरजेंसी में इतना, मतलब बड़ा हॉस्पिटल, अब हम सोचते हैं कि लियाकत नेशनल जाएं, मतलब हाँ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। उस पर वो कहने लगे कि नहीं, जब आप काउंटर पे पेमेंट जमा कराएंगी तभी हमारे सीनियर डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर होते हुए मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, उन्होंने मुझसे लिटरली ये बोला कि हमारे डॉक्टर भी तो स्पेशली आपकी बेटी के लिए आएंगे ना, ये कोई एहसान तो नहीं है। 11 लाख रुपए कोई जेब में रख के तो नहीं आता ना, डॉक्टर के पास तो यही आता है ना, और एक हम एक मतलब कोई ये तो नहीं है कोई, हम हाई प्रोफाइल्स हैं,
हर इंसान के पास अगर हाई प्रोफाइल भी होगा जेब में 11 लाख रख के नहीं आएगा। मतलब जिस तरीके से वो हमें जवाब दे रहे थे, सिर्फ पैसा दुनिया में तो कुछ नहीं, ऑब्वियस है। अगर मैंने उनको ये ऑफर की कि मैं आपको हाफ पेमेंट जमा कर रही हूँ, आप पेशेंट का काम शुरू करें और हाफ पेमेंट मैं सुबह करूँगी 11:30-12 बजे रात को, मैं 11.5 लाख रुपये कहाँ से लेकर आती? अरेंज में जो कर सकती थी 7 लाख रुपये, वो मैंने इनको बोला देने के लिए, मैंने बोला बाकी की अमाउंट आपको हम सुबह पे करेंगे। नहीं माने, हम अपने पेशेंट को लेके वहाँ से पटेल हॉस्पिटल आ गए। पटेल हॉस्पिटल में ईआर में चेक करके उसको सीधे आईसीयू में एडमिट किया है उन्होंने। आईसीयू में किया है मैंने, आईसीयू में उसको एडमिट किया है। मैं 10 मिनट के लिए घर आई हूँ, ये इतना प्रोसेस करते करते हमें फजर हो गई थी। मैं घर आई हूँ, घर आके उनके हस्बैंड की कॉल आई है, हिरा हिना को वेंट पे कर दिया है। वेंट पे किया है, मैं वापस हॉस्पिटल गई हूँ, डॉक्टर से पूछा है, डॉक्टर ने कहा 60% उसका ब्रेन जा चुका है। उनकी जो सिस्टर थी मेरे साथ खड़ी रही, आखिरी वक्त तक हमने कोशिश करते रहे किसी तरीके हमारी क्या ना मेरी वाइफ बच जाए, उनकी बहन बच जाए, किसी की बेटी है वो बच जाए। उनकी बहन को मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये सीटी स्कैन करा लेंगे ये बच जाएगी ना, वो मुझे बोल रहे बच जाएगी, लेकिन क्या नाम है, डॉक्टर ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने, मतलब हम तक कोई चीज़ सही कन्वे नहीं की। नेक्स्ट डे जब हमने देखा कि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, तो मैंने खुद डॉक्टर से बोला, मैंने कहा इसका वेंट रिमूव कर दें। मैंने अपनी बहन को बहुत तकलीफ में देखा है, कोई भी अपने प्यारे को जिस तकलीफ में देखेगा वो, वैसी उसके अंदर जान नहीं थी, वैसी बिल्कुल दुबली पतली सी बच्ची थी। उन्होंने रिमूव किया 10 जनवरी को, पूरी रात लगी, पूरी रात के बाद उसका सुबह 11 तारीख को 6:30-7 बजे उसकी आखिरी सांसें थी, जो इतने हिस्से में चल रही थी। डॉक्टर बता रही थी कि 5% हार्ट वर्क कर रहा है, 3%-2% ख़त्म हो गई है ना। हम मैंने एक एक करते करते जो 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक का उसका सफ़र है ना, जिस तरीके से मैंने अपने प्यारे को जाते हुए देखा है, आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी हिल गई है बुरी तरीके से। बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही थी। इवन कि हम दिन में 4 से 5 शॉप्स को एक्सप्लोर करते थे। अगर एक बीमार बंदा होगा वो एक शॉप को एक्सप्लोर नहीं कर सकता वो, और आपको पता है लोकल्स मार्केट में एसी नहीं होते, गर्मी होती है, तो एक गर्मी में एक बीमार बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपके सामने वीडियोस, आपके सामने आप देखें लास्ट वीडियो, उससे लास्ट वीडियो, लास्ट 3 वीडियोस आप देखें वो कैसी थी। बहुत अच्छी लाइफ, फुल ऑफ लाइफ बची हमारी। हम 2 ही बहनें हैं, मैं और वो, इससे बड़े हमारे 3 भाई हैं। मैरिड थी, 2 साल ही हुए थे उसकी शादी को, कोविड में हमने उसकी शादी की थी। कुछ करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, शुरू से जॉब करती आई HR में, माशाल्लाह वेल एजुकेटेड। स्टार्ट की वीडियो, लोगों को रिस्पॉन्स आया, उन्होंने हमें रिटर्न बुलाया। एक शॉप को हमने बनाया, उसने आफ्टर 1 वीक फिर हमें बुलाया, उन्होंने बोला आप हमारी वीडियो, आपकी वजह से हमें हमारा काम चलने लगा है। लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं कि हमारी वीडियोज़ का क्या होगा, तो वो हमारे पास अमानत है। हमारा जब मेंटली तौर पर हम हमारा स्टेटस लेवल पर आएगा तो हम ज़रूर उसको अपलोड करेंगे, वो हमारे पास अमानत है सबकी, हम उसको ज़रूर अपलोड करेंगे। बहुत दुआ की उसके लिए, मैं मतलब बहुत, इतने लोग थे कि हम बता नहीं सकते कितने थे, मोर देन 10,000, 20,000, 30,000, मैं आपको बता ही नहीं सकता कितने हैं, लेकिन बहुत लोग थे। बहुत लोगों का प्यार हिना के साथ है।